बोलो हे गाइस, हे गाइस, आप सब कैसे हो? आप बोलो, बस स्कूल से आ गया। आज आपकी मम्मा ने आपको लंच बॉक्स में क्या दिया था? क्या ब्रेड? आपको बर्थडे कब आएगा? आपको बर्थडे मेरा दो दिनों में। हाँ। आप ना मोटे हो गए हो। आप मोटे हो गए? आप हो रहे हो? नहीं, आप हो। अच्छा, नहीं मोटे? मैं मोटा नहीं हूँ, आप मोटे हो। अच्छा, आपको मोटा अच्छा नहीं लगता? ये देखिए ध्रुव, आपको सारे फ्रेंड ऐसे याद करते हैं। हाय पागल लड़का मेरा। चल ठीक, आज आपको मैं फोन नहीं दूंगी। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो ध्रुव अभी आ चुका है और अभी मैं इसका मतलब लंच बॉक्स चेक किया कि पूरा खाया है या नहीं खाया। आज मैंने इसको सैंडविच दिए थे तो ध्रुव ने सैंडविच अच्छे से खा रखे हैं और फॉइल पेपर में अच्छे से रैप करके दिए ना, तो वो अच्छे से गर्म ही रहे। और ये देखिए इसका बैग। तो अभी इसको मैं चेक करती हूँ कि आज मैं आते ही सबसे पहले इसके लंच बॉक्स चेक करती हूँ। कई बार क्या होता है, आई कार्ड नहीं दिखा ध्रुव आज मैंने। आई कार्ड कहाँ है आपका? देखिए इस तरह से मैंने 3 से 4 हंके ला के रखे हैं। मैं इसके जो डेली डेली चेंज करती रहती हूँ। कभी कभार क्या होता है, ध्रुव अपने आई कार्ड बैग में डाल लेता है तो कई बार ऐसे गले में लगा के आता है और कई बार भूल जाता है स्कूल में। तो इसीलिए मैं आते ही सारा सामान चेक करती हूँ कि प्रॉपर तरीके से पूरा सामान है या नहीं बैग में। लेकिन कई बार ऐसे स्कूल में रह भी जाते हैं ना, तो टीचर इनको अच्छे से संभाल कर रख लेती है और नेक्स्ट डे इनको दे देती है आराम से। कभी ये नहीं कि गुम होगी तो चीज़ें नेक्स्ट डे मिली नहीं है, अच्छे से मिल भी जाती है। और ऊपर चल रहा है फैन, तो इसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ का आप लोगों को लग रहा होगा फर्क। और आज मैंने ना इसकी ड्रेस चेंज। ओ ध्रुवी, इधर आओ, भाग के आओ। देखो कौन आया, देखो देखो देखो, भाग के। चलिए तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अच्छा, क्या खाओगे आज? कुछ नहीं खाऊंगा मैं, भूख नहीं लगी उसको। अच्छा, कुछ नहीं खाना? हाँ, मैं पानी पीता रहता हूँ, मैं दूध खाना कुछ खट्टा नहीं पीता। मैं खट्टा नहीं हूँ। मैं पानी पीता, मैं दूध नहीं पीता, मैं पानी पीता रहता हूँ सारा दिन। ओह, छोड़ा दिन पानी पीता रहता है? हाँ, मैं दूध नहीं पीता। ओह, मैं ठंडा दूध पीता हूँ, मैं ठंडा भी पानी पीता हूँ। हे गाइस, तो गुड इवनिंग। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो बहुत अच्छे से नींद वगैरह ले ली है और ध्रुव भी आराम से सोया हुआ है और हम लोग चाय पी के जाने वाले हैं मंदिर।
तो गाइस आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज था शिवरात्रि का फास्ट, लेकिन मुझे ना सुबह से याद ही नहीं रहा, बिल्कुल भी याद नहीं रहा। बाद में याद आया, मैंने अपनी माँ से बात की था फ़ोन पे, तब मुझे पता चला, क्योंकि उन्होंने आज ना फास्ट कर रखा हुआ था, तो बताया कि आज मेरा शिवरात्रि का फास्ट है, और बिल्कुल भी याद नहीं रहा। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दुख सा हुआ सुन के मेरे को भी, हाय इतना बड़ा फास्ट था, ये रखना था। लेकिन अब क्या करूँ, देखती हूँ कल अगर रखूँगी तो, हो सकेगा तो पॉसिबल, मैं ना पंडित जी से पूछूँगी, अगर हम कल रख सकते हैं तो रखूँगी। और यहाँ पे चाय भी बन गई, और मेरे को ना लगी हुई थी अच्छे से भूख, तो मैंने यहाँ पे ना सुबह सैंडविच बनाए थे ध्रुव के लिए, तो थोड़ी सी ब्रेड बची हुई थी, मैं उसी के साथ ना जो मसाला होता है वो खा रही थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे सैंडविच सुबह सुबह जो लंच बॉक्स में मैंने तैयार किए थे। क्या 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 बोला कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाबा जी ठीक कर देंगे। गाइस ये देखिए, यहाँ पर आंटी जी ने मंदिर को कितना प्यारा डेकोरेट किया है वाइट फूलों से, और इन्होंने ये देखो बाकी और भी फूल आ रखे हैं। तो ये शिवरात्रि का ब्लॉग है छोटा सा, ये देखिए। आ जाओ ध्रुव, हम मंदिर भी चलते हैं, तब तक ये अच्छे से सजाएंगे ना दादी जी। चलो चलो चलो, और ये देखो ये भोलेनाथ बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गाइस ये है आज इवनिंग का टाइम, और हम लोग आए हैं इवनिंग में, मैं और ध्रुव, क्योंकि हम आज सुबह नहीं आ पाए थे। हे गाइस गुड इवनिंग, तो अभी इवनिंग का टाइम है, और मैं और ध्रुव आए हैं आज शाम को, क्योंकि आज सुबह सुबह ना शिवरात्रि का फास्ट था, लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी याद नहीं रहा, और मैं भूल गई करना, क्योंकि कल मेरा सोमवार का व्रत था ना, तो इसकी वजह से मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहा। और जैसे कि मतलब गांव में होती है ना एक तरह से रौनक हो जाती है, जैसे कि कल शिवरात्रि का फास्ट है, तो सभी लोग बहुत अच्छे से मतलब याद भी करते हैं। और कुछ हमारे उधर ना कावड़ वगैरह ज़्यादा मतलब लेके आते हैं ना, तो वो कावड़ वगैरह चढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है पहले दिन ही। तो आज मैं ना सुबह फास्ट तो नहीं रखा, लेकिन मैं अभी शाम को आ गई पूजा के लिए, और साथ में आए हैं ध्रुव, तो साथ में हम लेके आए हैं दूध और फूल। तो ये लो पहले आप बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मम्मी हां एक आप से चलते हैं तो भाई, और आपको दिखाऊंगी मैं बाहर आंटी जी। हां एक आपके पानी के अंदर डालने दूध, तो यहां पे एक कावड़ भी चढ़ा के रखी हुई है। हां अंदर चलेंगे, चलो अंदर चलते हैं। और आज ना एक अभी शाम को दादी जैसा लाया सब ऐसे नभाए, जब लाया तो आगे ठीक है ना बेटे, सही बात है। और शंकर माफ करेगा भी इस टाइम, जब तू ऐसे सुबह सुबह करता है। मम्मी आप हाथ आगे मुझे दे देना, मेरे भी कर लो, दूर चला दो बस कर लो, चला चला दो बाय। लड्डू छोटे वाले में लगा डाल दो आप, अरे पूरा छोटा जो तो बड़े बड़े ना ही नहीं आज जो देख सकते हो, ये छोटा सा एक यहाँ पे भी शिवलिंग है, तो वहाँ पे ना मतलब बहुत अच्छे से तैयार कर दिया, आपको तैयार किया मैं दिखाऊंगी शिवलिंग। और ये देखिए ध्रुव आया है मेरे साथ में, तो वहाँ पे ये सारे बर्तन वहाँ रखो ध्रुव, चलो ये तीनों लोटियाँ वहीं रख देते हैं हम। तो अभी बहुत अच्छे से श्रृंगार हो गया, और ये देखिए
आज हम सुबह सुबह नहीं आ पाए, उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था आज शिवरात्रि का फास्ट है। और ये देखिए पूरा मंदिर देखिए, तो आप लोगों को मैं बहुत बार अच्छे से दिखा चुकी हूँ। ध्रो ये ऊपर नहीं जाते बेटा, इधर आओ। और ये देखिए कितना प्यारा मंदिर अंदर से सजा दिया है। तो मैं डेली इसी मंदिर में आती हूँ। यहाँ पे रखे हुए सारे बर्तन ये देखिए, चलो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए सजाया हुआ है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि सुबह पता नहीं यहाँ पे तैयार किया हुआ था या नहीं, क्योंकि इस टाइम इतना अच्छा से तैयार कर रखा है, तो सुबह भी तैयार किया होगा, क्योंकि यहाँ पे आज एक पावर चढ़ा रखी है और सारी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो रखी है मंदिर की, बहुत अच्छे से साफ़ सफाइयाँ हो रखी है। तो सच्ची में मेरे को ना बहुत ज़्यादा दुख हो रखा है कि आज मैं ना शिवरात्रि का फास्ट नहीं रख पाई, और पता नहीं क्या कारण था, मुझे याद ही नहीं रहा। और ये देखिए भोले बाबा, कितना प्यारा सजा दिया यहाँ पे शिवलिंग को। ये देखिए हैं कभी दुर्गे बाबा भी आ गए, ये देखिए खड़े हुए देखे। छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आपको, सही कहते हैं।